Hello everybody, welcome to Unacademy class 11th and 12th channel. How are you guys doing? Hello to everyone. Kaise hain aap sab log? Aaj hum karenge rewind series ka lecture 2 on living world. ठीक है, जल्दी से अपने बच्चों के साथ, यू नो, अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, सबके साथ शेयर कर दीजिए दिस लेक्चर. राइट, शेयर दिस लेक्चर विद एवरीबॉडी. ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़ जाने चाहिए अभी के अभी गाइस. ठीक है, ये रिवाइंड सीरीज सिर्फ आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए, ताकि आपकी पढ़ाई फिर से स्क्रैच से शुरू हो सके. तो जल्दी से सबको बुला लीजिए, कॉल एवरीबॉडी आप. हेलो गाइस, लेट्स सी हु ऑल आर हियर. ओके, मेहनाज, हेमांग, दिशा, फातिमा, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? पहले मुझे ये बता दीजिए, कैन यू गाइस हियर मी वेल, कैन यू गाइस सी मी वेल? ग्रेट. हाँ जी हेमांग, आपने सबके साथ शेयर कर दिया. हैव यू शेयर्ड दिस लेक्चर विद एवरीवन? ग्रेट. ओके गाइस, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. जो भी बच्चे मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है सिमरन विनायक. मैंने मास्टर्स किया बायोमेडिकल रिसर्च में. मुझे 3 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है. मेरा रैंक आया था CSINET. CSINET इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो ऑल ओवर इंडिया होता है लेक्चरशिप के लिए. उसमें रैंक आया था 35 एंड IIT जैम में 110. I also scored 98 out of 100 in my biology, and in class 12th I was second ranker. I scored 93.8 in my school, not in Himachal, right? So I was the second best in Himachal in biology. So this is hashtag life school daily guys, सबके साथ share कीजिए. ठीक है, ये सब चीज़ें matter नहीं करती. What matters is my experience of teaching the students, and what matters is कि आप लोग कितना ध्यान दे पा रहे हैं, कितना मुझे समझ पा रहे हैं और कितना जोश के साथ मुझे आंसर करते हैं इस लाइव चैट में. ठीक है, ओके गाइस, सो जोश शुड बी रियली रियली हाई, बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए. ये टेलीग्राम चैनल है, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए livedaily.me/chat. ठीक है, सारी अपडेट्स वहाँ पर आपको मिल जाती हैं हर टीचर की जो भी अनअकैडमी क्लास 11th एंड 12th के पार्ट हैं. अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बच्चे, ये ऐसी सब्सक्रिप्शन है जिसमें बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फीचर्स हैं. पर्सनल मेंटर, वन ऑन वन मेंटर मिलते हैं, लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस मिलती है एक्सक्लूसिव. लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेस तो प्लस में भी मिलती हैं, इसमें एक्सक्लूसिव मिलती हैं. वीकली रिपोर्ट्स, हर हफ्ते आपकी रिपोर्ट जाया करेगी पेरेंट्स को, पेरेंट्स कनेक्ट होगा, स्टडी प्लानर दिया जाएगा आपको, एंड ऑल दी अदर बेनिफिट्स ऑफ प्लस. ऑल्सो क्रिएटिव कॉर्नर इज देयर, जिसके बारे में आप सब जानते हैं कि क्रिएटिव कॉर्नर में स्किल्ड जो होते हैं इंडिया के बेस्ट, यू नो, दोज पीपल हु कैन टीच यू रोबोटिक्स, कोडिंग और डिफरेंट चीज़ें. ठीक है, जो लाइफ में आपको तैयार करती हैं मुश्किलों के लिए, चैलेंजेस के लिए, वो सब आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलता है. एंड द कोड यू हैव टू यूज द सिमरन लाइफ. ठीक है, तो जल्दी से बच्चे, ज़्यादा मत सोचो, सिमरन लाइफ कोड बहुत सही कोड है क्योंकि आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है और पर्सनल मेंटरशिप बाय सिमरन मैम. ओके गाइस, ठीक है, और साथ साथ आपको बताना चाहूंगी कि हमारे कोर्सेज हर महीने लॉन्च होते हैं. इस महीने मैंने 2 कोर्सेज लॉन्च किए थे, एक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कराया था और अब चल रहा है मिनरल न्यूट्रिशन. उसके बाद मैं शुरू करूंगी फोटोसिंथेसिस. साथ साथ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रही हूँ डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के. तो सोचिए बच्चों, प्लस बच्चों की पूरी जमकर तैयारी हो रही है. उनको हम डिटेल में पढ़ाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अपना डीप में पढ़ाते हैं, हर डाउट वो 2-2 मिनट बाद पूछते हैं तो उनकी सारी क्वेरीज क्लियर हो जाती हैं और बहुत सारे टेस्ट सीरीज और बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं. राइट, तो ये जो फीचर्स हैं आपको सब्सक्रिप्शन में मिलते हैं अलॉन्ग विद यूट्यूब. राइट, सो यूट्यूब में पढ़िए और साथ साथ सब्सक्रिप्शन पे पर्सनल मेंटरशिप पाइए बाय योर फेवरेट एजुकेटर. ठीक है, सब्सक्रिप्शन में आपको सारे टीचर्स मिलेंगे जो यहाँ पर हैं, इनफैक्ट और टीचर्स मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सबके, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, बायो के, मैथ्स के भी, अगर आप PCMB के स्टूडेंट हैं. 11th के भी कोर्सेज आप देख सकते हैं, 12th के भी देख सकते हैं. 11th का कोर्स खत्म हो गया तो 12th पढ़ना शुरू कर दीजिए. 11th के कुछ चैप्टर्स 12th से रिलेटेड हैं, 12th के 11th से रिलेटेड हैं, तो आप कोर्सेज आराम से अटेंड कर सकते हैं जस्ट बाय दिस वन जादू की छड़ी जो है सब्सक्रिप्शन. ठीक है, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अगेन आई वुड से गाइस, हेलो एवरीवन, जो भी अभी आ रहे हैं, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए यूज द कोड सिमरन लाइफ फॉर श्योर गाइस. ओके, एंड डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, वरना डिस्काउंट नहीं मिलेगा. ठीक है गाइस, तो अब शुरू करते हैं लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर 2. आर यू गाइस एक्साइटेड एवरीबॉडी?
अभी 39 चैट में, मिनिमम 50 तो होने ही चाहिए लाइक येस्टरडे. प्रेस दैट लाइक बटन गाइज. आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत ज्यादा कुछ सीखने वाले हैं. चलो सीखते हैं. तो कल हमने बात की थी टैक्सोनॉमी की, और मैंने आपको बताया था टैक्सोनॉमी क्या है, एक प्रोसेस है क्लासिफिकेशन का, है ना, राइट कि हम क्लासिफाई करें. मुझे कोई ऑर्गेनिज्म मिल गया, मुझे जानना है यार ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, मतलब कौन से टेक्सॉन में आएगा. टेक्सॉन क्या होता है, कोई भी रैंक हायरार्की का, क्या वो कोई स्पीशीज, कौन सी स्पीशीज आएगी, कौन सी जीनस होगी उसकी, कौन सी फैमिली होगी उसकी, है ना, वो सब टेक्सोनॉमी में हम स्टडी करते हैं. तो हम कैरेक्टर्स पढ़ते हैं, फिर आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई के बाद क्लासिफाई करते हैं, फिर नेम करते हैं, राइट गाइस. ठीक है, सो व्हाट इज टैक्सोनॉमी, अ प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि हम उसको क्या जीनस दें, क्या स्पीशीज दें, क्या फैमिली दें, क्या ऑर्डर दें, है ना, क्या किंगडम दें, क्या फाइलम दें, कौन सा सब फाइलम दें, ये सारी स्टडी टैक्सोनॉमी में होती है. यू गाइस अंडरस्टैंड दिस. पूजा, प्राची, शुभम, शिवानी, लोकेश, मीनू, कामरू, स्वीकृति, प्रदीप, हाँ सबको समझ आ गया ये चीज. एंड एपी केंडोले ने टर्म दी थी टेक्सोनॉमी. सिस्टमैटिक्स क्या होता है और नियो सिस्टमैटिक्स क्या होता है, फर्क है, थोड़ा सा फर्क है. सबसे पहले सिस्टमैटिक्स की कोशिश लिनियस ने की थी, कैरोलस लिनियस ने, जिन्होंने अपनी किताब भी दी थी सिस्टमा नेचुरे. सिस्टमा नेचुरे ने उन्होंने क्लासिफाई करने की कोशिश की थी ऑन डिफरेंट बेसिस, राइट, पर मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर, फिजियोलॉजी के बेसिस पर, ठीक है, बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बेसिस पर भी हम सिस्टमैटिक्स करते हैं. पर अब जो न्यू सिस्टमैटिक्स आया है, न्यू सिस्टमैटिक वो बहुत सारे फैक्टर्स को इनरोल लेता है. वो कहते हैं कि यार टैक्सोनॉमी के साथ साथ हमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी स्टडी करनी चाहिए. ये कल बताया था ना कि हमें कौन कैसे कहाँ से आया है, किसका कौन इंसेस्टर है, कौन किससे ज़्यादा रिलेटेड है, ये सब स्टडी करना चाहिए अलॉन्ग विद इट्स जेनेटिक्स, साइटोकेमिस्ट्री, बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट. वो सब जब हम स्टडी करते हैं तो वो हम क्लासीफाई करने में आसानी होती है, जिसको बोलते हैं नियो सिस्टमैटिक्स, गिवन बाय जूलियन हक्सले इन 1940. इम्पॉर्टेंट, ठीक है बच्चों, क्लियर नियो सिस्टमैटिक्स एंड ऑल. हाँ चलो आगे बढ़े. अब देखो ये आइडेंटिफिकेशन हम कर चुके हैं. जब भी हम टैक्सोनॉमी करते हैं तो हम आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, नेम करते हैं. पहले तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है, आइडेंटिफिकेशन का मतलब है बच्चों कि हम एग्जैक्ट पोजीशन ढूंढ रहे हैं उस ऑर्गेनिज्म की. हम क्या ढूंढ रहे हैं, एग्जैक्ट पोजीशन ढूंढ रहे हैं उस ऑर्गेनिज्म की भाई, कि वो कौन से जगह पे आएगा, है ना, राइट. क्या है, इज इट एन एनिमल, इज इट अ प्लांट, इज इट अ फंजाई, प्रोटिस्टा, फिर एनिमल है तो टेट्रापोडा है, कॉर्डेटा है, नॉन कॉर्डेटा क्या है, ठीक है. तो एग्जैक्ट पोजीशन को ढूंढने को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन. हाँ सुखमनी, पूछिए क्या हुआ, ठीक है. क्लासिफिकेशन क्या होता है बच्चों, क्लासिफाई करना, फिर आपने पोजीशन ढूंढ ली, फिर आप उसे सही जगह क्लासिफाई कर दें, जिसके बारे में मैं डिटेल में अभी पढ़ाऊंगी. फिर नॉर्मल क्लेचर करते हैं हम, नेमिंग करते हैं बच्चे. अब आज अभी तक जो मैं कर रही थी वो रिवीजन कर रही थी कल के लेक्चर की, तभी मैं थोड़ा फास्ट थी, अब मैं धीरे जाऊंगी, ठीक है गाइस. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉमेनक्लेचर, ठीक है. जो भी सिलेबस से हट चुका है फिर भी पढ़ाया जाएगा निशा, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं. 2020 में कट चुका है तो क्या हुआ, है ना, नेक्स्ट ईयर काम आएगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में काम आएगा. और नॉलेज है, नॉलेज तो गेन करनी चाहिए हमेशा, राइट गाइस, ठीक है. 1 PM क्लास होती है भास्कर. चलो गाइस अब पढ़ाई पे फोकस करें, लेट्स फोकस ऑन स्टडीज. व्हाट इज नॉमेनक्लेचर, कोई भी ऑर्गेनिज्म मिला हम उसका नाम दे देते हैं. दो टाइप के नाम्स होते हैं, वर्नैक्युलर नेम्स और साइंटिफिक नेम्स. वर्नैक्युलर नेम्स का मतलब होता है लोकल नेम. लोकल नेम का मतलब क्या है, राज, अरूपा, मतलब कि मैंने लोकल नाम दे दिया. जैसे कि ना आप लोग बिल्ली बोल देते कैट को, है ना, राइट. अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग जगह पे कैट को अलग अलग नाम दिए जाएंगे, तो वो तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, राइट. दिस विल क्रिएट अ कंफ्यूजन. जब आप साइंटिस्ट लोग बैठेंगे तो किसके बारे में बात करेंगे, कैट के बारे में बात करनी है, हर साइंटिस्ट अपने कैट को अपनी अपनी लैंग्वेज में बोलेगा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, राइट. तो एक नाम होना चाहिए ना जो यूनिक होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए, मतलब सब नाम वो यूज करें. एक यूनिक नाम होना चाहिए जो सब उसका नाम यूज करें. डू यू अग्री गाइस, है ना,
ये चीज मानते हैं आप? तो इसीलिए एक यूनिक नाम दिया गया है, वो है साइंटिफिक नेम। और साइंटिफिक नेम की अलग अलग बॉडीज हैं जो डिसाइड करती हैं कि यार साइंटिफिक नेम जो है कौन से रूल्स होंगे। ठीक है, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, वायरसेस के लिए और बैक्टीरियाज के लिए अलग 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 बॉडीज हैं जो नेमिंग करती हैं। जैसे कि ICBN, ये फुल फॉर्म आ सकती है, ध्यान दीजिए, ICBN। ICBN इज इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, जो प्लांट्स को नेम करती है। ठीक है, याद हो जाएगा आप सबको। ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जो एनिमल्स को नेम करती है। ठीक है, ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर। ओके, ICVNC भी होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ICVNC भी बोलते हैं। ठीक है, ICNB आ सकता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर और नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? वर्नैक्युलर नेम्स काम नहीं करते ना, जब साइंटिस्ट बैठेंगे वर्नैक्युलर नेम्स कैसे काम करेंगे? अब आप अनियन को प्याज भी बोलते हैं, कांदा भी बोलते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग बोलेंगे, तो वो सही नहीं बैठता, राइट? साइंटिस्ट थोड़ी बात करेंगे अनियन की ऐसे। तो अनियन को क्या नाम दिया गया? साइंटिफिक नेम दिया गया, एलियम सेपा, है ना, जो सब यूज करेंगे जिस नाम को। डू यू अग्री गाइस? तो ये चारों ऑर्गेनाइजेशंस जो है अलग 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 कैटेगरीज को संभालती है नाम देने के लिए। ठीक है, हाँ जी, ICBN में वायरसेस को नाम देते हैं। ठीक है, राज शर्मा। अब वर्नैक्युलर नेम्स में जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, कांडाली। कांडाली इज बिच्छू बूटी, सुना बिच्छू बूटी के बारे में? वो प्लांट जिसमें स्पाइंस हैं। तो वर्नैक्युलर नेम्स ना अपने सराउंडिंग से या फिर उसकी शक्ल को देख के या सिक्रीशन को देख के हम नाम दे देते, कांडाली, है ना, मतलब उसमें कंडे हैं, स्पाइंस है, तो कांडाली दे दिया। पर अब कांडाली जाके साइंटिस्ट बोलने लग गया हम कांडाली की बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ा अजीब हो जाएगा, राइट? सो एक यूनिक नेम देना चाहिए। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की शुरुआत की थी कैरोलस लिनियस ने। पहले ना लंबे लंबे नाम दिए जाते थे साइंटिफिक भी, पॉलीनोमियल नॉमेनक्लेचर होते थे, वो बड़े मुश्किल होते थे याद करने और फिर कहीं लिखने, किताबों में लिखने। सोचिए एक सेंटेंस का तो एक नाम ही हो गया। जैसे मैं अपना नाम लिख दूं, बहुत ही बड़ा नाम में कुछ लिख दूं, ब्ला ब्ला सिमरन विनायक ब्ला 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 ब्ला, कितना बड़ा नाम हो जाएगा, राइट? तो वो पूरा पन्ना मेरा इंट्रोडक्शन में देने में बीत जाएगा, तो मेरी क्लास तो आधी उसी में खत्म हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, एक छोटा सा नाम, जैसे आपका नेम और सरनेम होता है वैसे एक छोटा सा नाम, ठीक है, जो दो चीजों से बना है, एक जीनस एक स्पीशीज, राइट? एक जीनस एंड एक स्पीशीज। ओके, सो जीनस एंड स्पीशीज क्या है उसकी बात करेंगे। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है टू नेम्स देना। ठीक है, जैसे ह्यूमंस को क्या नाम दिया गया? होमो सेपियंस। क्या नाम दिया गया? होमो सेपियंस। तो मैं जब भी लिखती हूँ, अंडरलाइन करती हूँ, वो सब रूल्स अभी हम डिस्कस करेंगे। होमो इज जीनस एंड सेपियंस इज स्पीशीज। किसी को अगर जीनस और स्पीशीज नहीं पता तो वेट कीजिए, अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके गाइस, तो कंसेप्ट वॉज गिवन बाय कैरोलस लिनियस, हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, बताया था ना कल। अब ये जो तीन किताबें हैं ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है MCQs में, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के MCQs में। तो मैं CBSE की तैयारी भी कराती हूँ, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा भी बता देती हूँ आपको, ठीक है, ताकि कोई भी आपने एग्जाम देना हो तो उसकी तैयारी हो जाए। ही पब्लिश्ड 3 books सिस्टम ऑफ नेचुरे, जिसमें उन्होंने क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की थी। जेनेरा प्लांटेरम, जिन्होंने उसमें इन्होंने जीनसेस के नाम दिए थे अलग अलग प्लांट्स के, जीनस के नाम, जेनेरा मतलब जीनस। स्पीशीज प्लांटेरियम, पहली बार कोशिश की गई थी स्पीशीज के नाम देने की टू द प्लांट्स विच वर नोन एट दैट टाइम। ठीक है, तो तीन किताबों के नाम याद होने चाहिए, सिस्टमा नेचुरे, जेनेरा प्लांटेरियम, स्पीशीज प्लांटेरियम। क्लियर गाइस, इज दैट क्लियर टू यू? हाँ, क्लियर हो गया सबको, कुछ ज्यादा सीखने वाला तो है नहीं। अब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सीखने वाला है। जब हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर करते हैं तो हम दो नाम देते हैं, एक होता है आपका जेनेरिक नेम, एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट। एपिथेट मतलब वो नाम, ठीक है। जेनेरिक इज स्टैंडिंग फॉर जीनस, इसका मतलब है जीनस। जीनस क्या होता है बच्चे? जीनस स्पीशीज से ऊपर आता है,
जैसे मैंने बोला कि फाइकस का ले लो, फाइकस, फाइकस क्या है, अंजीर है, और फाइकस बनियन ट्री का भी नाम है, तो बनियन ट्री का नाम होता है फाइकस बेंगालेंसिस। क्या नाम होता है? फाइकस बेंगालेंसिस। तो जो बनियन ट्री होता है उसका साइंटिफिक नेम है फाइकस बेंगालेंसिस, और जो अंजीर है, जो फिग है, उसका नाम होता है फाइकस रिलिजियोसा। ठीक है, तो आप खुद सोचिए बच्चों, हम जब साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं तो ये पहला नाम जो है वो जीनस नेम है, और स्पीशीज क्या होती है? स्पीशीज बच्चे जॉन रे, हमारे साहब जी हैं जॉन रे, उन्होंने कहा था स्पीशीज एक ऐसा ग्रुप है ऑफ ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के साथ मेट कर सकते हैं, जो एक दूसरे के साथ मेटिंग कर सकते हैं, जो मॉर्फोलॉजिकली सेम दिखते हैं, है ना। ह्यूमन सब सेम दिखते हैं, राइट राइट, ऊपर ऊपर से सब ह्यूमन सेम दिखते हैं, तो इसलिए, और एक दूसरे के साथ मेट कर सकते हैं सारे ह्यूमंस एक दूसरे के साथ, तो जॉन रे ने स्पीशीज का कंसेप्ट दिया था। यू गाइस अंडरस्टैंड? क्या आपको ये चीज समझ आ रही है, प्राची, स्वीकृति? हाँ, तो ईच साइंटिफिक नेम हैज टू पार्ट्स, जेनेरिक नेम एंड स्पीशीज नेम। जेनेरिक नेम इज जीनस नेम, स्पीशीज नेम, स्पीशीज एक पॉपुलेशन है जो एक दूसरे के साथ मेट कर सकती है, ठीक है, विच कैन ब्रीड विद ईच अदर एंड गिव राइज टू एन ऑफस्प्रिंग। पर दो जीनसेस मेट नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ, अगर आपने दो जीनस को मेट करा दिया तो ऑफस्प्रिंग स्टराइल होगा, स्टराइल मतलब नॉन फर्टाइल। ओके, ठीक है, जैसे कि कल हमने म्यूल की बात की थी, है ना। अच्छा, कुछ रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के। पहला रूल है कि हम लैटिन में लिखते हैं, ऑल द साइंटिफिक नेम्स आर रिटन इन लैटिन। लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, लैटिन अब यूज नहीं होती, तो बेस्ट है लैटिन में लिखिए, ठीक है। अगर लैटिन में ना लिखा जाए उसको लैटिन में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपको बहुत एग्जाम्पल्स दूंगी, ठीक है। एक का नाम है ऋषिया पठानकोटेंसिस, पठानकोट में मिलता है तो पठानकोटेंसिस, ठीक है, तो ऐसा नाम लिख दीजिए जो लैटिन जैसा लगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या आपको ये चीज समझ आ रही है? हाँ, तो पहली बात है, ऑल साइंटिफिक नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर यूजुअली रिटन इन लैटिन, ओके, हेंस दे आर रिटन इन इटैलिक्स। तो आपको जब भी साइंटिफिक नेम दिखेगा किसी भी किताब में तो वह इटैलिक दिखेगा, ठीक है, ताकि पता चल जाए इतने सारे पन्नों में, इतने सारे वर्ड्स में, कि ये है साइंटिफिक नेम। ओके, फाइन। तो आपको बहुत सारे साइंटिफिक नेम्स ऑलरेडी पता होंगे, मैंगो का पता है? मैंगो को क्या बोलते हैं साइंटिफिक नेम? चलो चैट बॉक्स में बताइए, मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम मैं आपको बता चुकी हूँ, होमोसेपियंस। डॉग का साइंटिफिक नेम क्या है? कैट का साइंटिफिक नेम क्या है? ये सब आपको पता होने चाहिए, ठीक है, ये चीज समझ आती है आपको। अब अगर हम खुद लिख रहे हैं तो अंडरलाइन करना पड़ेगा, अगर किताब में है तो इटैलिक, अगर खुद लिख रहे हैं तो अंडरलाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हम इतना सुंदर तो इटैलिक किताबों जैसा लिखते नहीं है, है ना। वेरी गुड, एरीज, इनोसेंट, अनीशा, अभय, अनुष्का, शिफा, सबने बता दिया। गुंजन, मैंगीफेरा इंडिका। यस, मैंगीफेरा इंडिका मैंगो का नाम है, ठीक है, साइंटिफिक नेम है, वेरी गुड, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखो अगर हम, मैंने बोला ना, अगर हम खुद लिख रहे हैं तो हमें अंडरलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज डन टू स्पेसिफाई इट्स लैटिन ओरिजिन, ये इसलिए किया जाता है ताकि हमें पता चल जाए ये लैटिन से आया है। और दूसरा रूल क्या है बच्चे, जब भी मैं जैसे होमोसेपियंस लिखती हूँ तो जीनस का नाम का फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होगा और स्पीशीज का नाम का फर्स्ट अल्फाबेट स्मॉल होगा। होमोसेपियंस में एच कैपिटल, एस स्मॉल। मैंगीफेरा इंडिका लिख रही हूँ तो ये सब मैंगो का साइंटिफिक नेम है, तो एम कैपिटल, इंडिका का आई छोटा, ठीक है, फाइन, दीज आर द रूल्स। अगर मैं लाइन का नाम लिख रही हूँ तो पैंथेरा लियो, तो एल छोटा, ठीक है बच्चे, ओके अंडरस्टूड। अब बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू भी आ चुका है बहुत सारे एग्जाम्स में, ध्यान से सुनना। अगर हमें पता है कि वो साइंटिफिक नेम किसने दिया है, और अगर आपको एमसीक्यू में बोला जाए कि ये साइंटिफिक नेम लिनियस ने दिया है,
ठीक है, जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिनियस ने दिया है, तो नेम ऑफ द साइंटिस्ट शुड बी रिटन इन शॉर्ट आफ्टर द स्पेसिफिक नेम। मतलब कि अगर मुझे पता है मैंगीफेरा इंडिका लिनियस ने दिया है, तो आप मैंगीफेरा लिखो, इंडिका लिखो और साथ में साइंटिस्ट का नाम लिख दो शॉर्ट में, ना ये अंडरलाइन होगा ना ये इटैलिक होगा। प्लीज ये रूल याद रखना, ना ये अंडरलाइन होगा ना ये इटैलिक होगा। ओके, सो नेम ऑफ द साइंटिस्ट हैज टू बी रिटन इन शॉर्ट। तो लिनियस का लिन डॉट लिख दिया, ओके ना मैंने अंडरलाइन किया ना ये इटैलिक किया, रोमन में लिख दिया। अंडरस्टूड? क्या आप सबको ये रूल समझ आया? ये एक नीट का क्वेश्चन भी था कुछ साल पहले। हाँ, समझ आ गया सबको? चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टार्टोनिम्स की। टार्टोनिम्स क्या होते हैं बच्चे? टार्टोनिम्स होते हैं जब जीनस और स्पीशी नेम सेम होता है, जब जीनस और स्पीशीज का नाम सेम होता है, जैसे कि गोरिल्ला गोरिल्ला, ठीक है, गोरिल्ला गोरिल्ला सेम है जीनस और स्पीशीज का नाम, जैसे कि रैटस रैटस रैट का नाम है, रैटस रैटस, ठीक है, ये याद रखने होंगे, एक्स्ट्रा पढ़ना जरूरी होता है ना, राइट? गोरिल्ला गोरिल्ला रैटस रैटस, और किसी को और कोई नाम पता है टार्टोनिम्स? एनीबडी हु नोस? नाजा नाजा, वेरी गुड, नाजा नाजा। नाजा नाजा क्या है? कोबरा, इंडियन कोबरा है ना, राइट? तो गोरिल्ला रैटस रैटस नाजा नाजा ये सब क्या है? टार्टोनिम्स के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? टार्टोनिम्स के। टार्टोनिम का मतलब होता है जब जीनस और स्पीशी नेम सेम होता है। पर आप एक चीज नोटिस करें, साक्षी, अमिताभ, ललित, आश्वी, सिद्धार्थ, पीयूष, स्वीकृति, कि ये सब ICZN वाले हैं, मतलब जुअलॉजी के नेम है, ये कोई भी बॉटनी का नाम नहीं है, राइट? तो ये बॉटनी के नाम क्यों नहीं है? क्योंकि ICBN में एक्सेप्टेड नहीं है, दे आर नॉट एक्सेप्टेड इन ICBN। ओके, साइंटिस्ट के नाम पहला वाला अल्फाबेट कैपिटल में होगा, राज शर्मा, लिनियस में लिन, ठीक है, पर इटैलिक नहीं होगा और ना अंडरलाइंड होगा, ठीक है, ओके। टार्टोनिम्स बच्चे आर नॉट एक्सेप्टेड बाय ICBN। ICBN क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। तो प्लांट्स जो हैं, जो प्लांट्स हैं उनमें साइंटिफिक नेम में ना जीनस और ना स्पीशीज का नेम सेम नहीं होगा। ओके गाइस, ठीक है, अगला रूल, अगला रूल ध्यान से देखिए। जो जीनस और स्पीशी का नाम है उसका नाम तीन लेटर से कम नहीं होना चाहिए। जीनस और स्पीशीज का नाम तीन लेटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके, और 12 लेटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई भी नाम दे रहे हैं किसी भी को, अगर आप साइंटिस्ट हैं, टैक्सोनॉमिस्ट हैं और आप नाम दे रहे हैं, ठीक है, आपने सोचा मैं नाम देता हूं, चलो, तो आप जो भी नाम देंगे, आपने नाम दिया वो तीन लेटर से कम नहीं होना चाहिए और 12 लेटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मैंगीफेरा इंडिका, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, ठीक है, और 6 आपके स्पीशीज में, तो 13 से कम, 3 से ज्यादा, सिवाय एक के, सिवाय एक एक्सेप्शन के, रिशिया पठानकोटेंसिस, पठानकोट में, तो पठानकोटेंसिस, ठीक है, ये अलग। रिशिया क्या होता है? लिवरवॉर्ट होता है, आपने मेरे साथ ब्रायोफाइट्स में पढ़ा है, प्लांट किंगडम में पढ़ा है ना, तो रिशिया पठानकोटेंसिस का स्पीशीज नेम जो है 12 लेटर से ज्यादा है, ठीक है, यू कैन काउंट, इट इज मोर देन 12। ओके गाइज, ठीक है, हैव यू गाइज अंडरस्टूड? हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना, काफी इंटरेस्टिंग हो गया है फर्स्ट चैप्टर आपके लिए, राइट गाइज? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे, अब हमने रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर समझ लिए, हमने आइडेंटिफिकेशन समझ लिया, क्लासिफिकेशन समझ लिया। अब बच्चे, अगर मेरे पास कोई भी जानवर या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म मुझे मिलता है, मुझे कैसे पता कि वो कौन से डोमेन का है, कौन से किंगडम का है, कौन से फाइलम का है, कौन से क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी का, राइट? तो ये एक हायरार्की है जो हमने बनाई है, हमने नहीं मतलब साइंटिस्ट ने बनाई है, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, ठीक है। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे सिमिलैरिटीज बढ़ेंगी, ठीक है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे सिमिलैरिटीज कम होंगी। फाइन गाइस, ओके, जैसे कि मैं बात करूं किसकी, किसकी बात करूं, ह्यूमंस की बात करूं, तो ह्यूमंस कौन से डोमेन में आएंगे? यूकेरिया में, यूकेरियोट्स है ना। किंगडम क्या होगा? एनिमेलिया,
एनिमल्स है ना हम। फाइलम क्या होगा? फाइलम होगा आपका बताइए कॉर्ड डेटा, क्योंकि हमारी नोटोकॉर्ड थी जो वर्टिब्रल कॉलम में बन चुकी है। सब फाइलम भी होता है हमारा वर्टिब्रेटा, है ना। सुपर क्लास भी होती है टेट्रापोडा, हमारे चार लिम्स हैं तो टेट्रापोडा। क्लास क्या होगी? मैमेलिया। हम यंग वंस को बर्थ देते हैं और हमारी बॉडी में हेयर है और हमारे पास डायफ्राम है और एक्सटर्नल पिन्ना है। बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो मैमल्स के होते हैं, राइट। तो हम क्लास क्या होगी? मैमेलिया। ऑर्डर क्या हो गया बच्चे? ऑर्डर हो गया प्राइमेटा। प्राइमेटा का मतलब हम सब हायर एप्स हैं। हायर एप्स मतलब हम गोरिल्ला, चिंपैंजीज, ऑरंगुटन्स, हम सब प्राइमेटा में आते हैं। हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक फीचर होता है प्राइमेट्स का, ठीक है, ओके। हम सब प्राइमेटा है। प्राइमेटा के बाद क्या आएगा आपका? फैमिली होमिनिडे फैमिली, होमिनिडे फैमिली। उसके बाद जीनस होमो और स्पीशीज सेपियंस। तो देखो हमने कितनी इजीली क्लासिफाई कर दिया, और जैसे जैसे मैं नीचे जा रही हूँ वैसे वैसे सिमिलैरिटी बढ़ रही है। तो सारे सेपियंस के सब सिमिलर हैं, एक दूसरे के साथ मेट कर सकते हैं, राइट। पर अगर हम मैमिलिया की बात करें क्लास की, अगर हम ऊपर जाएं क्लास में जाएं, तो भाई सिमिलैरिटीज कम हो रही है ना। डू यू गाइस अंडरस्टैंड दिस? ऊपर ऊपर जाते जाते सिमिलैरिटीज कम होंगी, नीचे नीचे आते आते सिमिलैरिटीज बढ़ेंगी। अंडरस्टूड सरफराज, आशवी, गुंजन, ललित, नी 2022, तनीषा, समझ आ गया आप सबको, है ना। बहुत इजी था ये, हैव यू गाइस अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है डॉग का, तो डॉग का एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा डोमेन क्या होते हैं ना? डोमेन तीन तरह के होते हैं, अगर आपको डोमेन नहीं पता। डोमेन किंगडम के ऊपर होता है। तो डोमेन का कंसेप्ट दिया था कार्ल वोस ने। कौन थे? कार्ल वोस ने कंसेप्ट दिया था डोमेन्स का। इन्होंने तीन डोमेन्स दिए थे, एक था आपका आर्किया, क्योंकि इन्होंने आर्किया ढूंढे थे जो बहुत ही हार्श कंडीशंस में रहते हैं, हाई टेम्परेचर कंडीशंस, हाई सॉल्टी कंडीशंस, ठीक है। इनके पास ATS राइबोसोम होता है, कहते ये तो बैक्टीरिया नहीं है, है प्रोकैरियोट्स पर बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है। तो आर्किया अलग कर दिया यू बैक्टीरिया से इन्होंने, और साथ में यू कैरिया बिल्कुल अलग कर दिया। तो डोमेन क्या हुआ? यू कैरियोट्स का यू कैरिया। क्या आपको ये चीज समझ आई? हाँ, आर्किया इज डिफरेंट फ्रॉम यू बैक्टीरिया। आर्किया यू बैक्टीरिया का मोनरा में डाल सकते हो आप, किंगडम मोनरा में डाल सकते हो, ठीक है, किंगडम मोनरा में आप डाल सकते हो। पर यू बैक्टीरिया और आर्किया के अलग फीचर्स हैं, सेल मेम्ब्रेन भी अलग है, ठीक है, और राइबोसोम्स भी अलग हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, ये बात सही है। और यूकैरियोट्स में कौन आ जाएंगे आपके? प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ओके गाइस, ठीक है, इजी है ये सब, बिल्कुल इजी, ठीक है। तो देखो किंगडम क्या होगा? एनिमेलिया। अब मैं डॉग की बात करती हूँ, डॉग का सुनिए। किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा। नोटोकॉर्ड होती है ना बैकबोन में, बैकबोन जो बन गई है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा। क्लास मैमेलिया। ऑर्डर कार्निवोरा, है ना, कार्निवोरस होते हैं ना, वुल्व्स हो गए, डॉग्स हो गए, राइट। फैमिली क्या होगी? कैनिडे। कैनिडे कौन होते हैं? जो हाउल करते हैं वुल्व्स की तरह। कैनिस इज योर जीनस एंड ल्यूपस इज योर स्पीशीज। तो कैनिस ल्यूपस, ठीक है, कैनिस ल्यूपस। तो डॉग्स वुल्व फैमिली में आते हैं, कैनिडे फैमिली में। ओके अंडरस्टूड, बिल्कुल समझ आ गया। तो आपको ये पूरी चीज समझ आ गई है ना, हायरार्की, वेरी गुड। अब ये एनसीईआरटी का टेबल है जो बच्चों को याद नहीं होता, पर मेरा एम है आपको याद दिलाना, क्योंकि आपको सीबीएसई में ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ठीक है। अब एनसीईआरटी में दिया है तो पूछा तो जरूर जाएगा, है ना। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन गेट एमसीक्यूज फ्रॉम इट। आजकल तो एमसीक्यूज भी आते हैं सीबीएसई में, यू कैन गेट 1 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम इट, ओके, यू कैन गेट 2 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम इट। तो इस टेबल को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो मैन की आपको हायरार्की बता रखी है, सबसे पहले आपको मैन की हायरार्की बता रखी है। तो मैन का सोचो, मैन एक एनिमल है ना। डिविजन या फाइलम, फाइलम क्या है? कॉर्डेटा। कॉर्डेटा क्यों है मैन? क्योंकि हमारी नोटोकॉर्ड थी जो वर्टिब्रल कॉलम में बन चुकी है। तो सब फाइलम क्या होगा? वर्टिब्रेटा, ठीक है। और क्लास क्या होगी? मैमेलिया, अभी बताया था। ऑर्डर क्या होगा? प्राइमेटा, बताया था ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम जो फीमेल्स होती हैं वो ब्लीड करती हैं एवरी मंथ, राइट, मंथली साइकिल्स होती हैं। फैमिली क्या है? होमिनिडे, होमिनिडे, ठीक है। हायर एप्स होमिनिडे में होते हैं।
जीनस होमो एंड स्पीशीज ने सेपियंस, तो होमो सेपियंस. इज दैट क्लियर टू यू? गिव मी अ थम्स अप अगर ये क्लियर है आप सबको. इज दैट होल थिंग क्लियर टू यू 100%? ठीक है. अब बात करते हैं हाउस फ्लाई की. करें हाउस फ्लाई की बात. बच्चे जो हाउस फ्लाई है वो नॉन कॉर्डेटा है, इंसेक्ट है ना, इंसेक्ट है तो नॉन कॉर्डेटा हुई. और इंसेक्ट कौन से फाइलम में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में, राइट. तो पढ़ते हैं. तो देखो बच्चे, आपका फाइलम होगा आर्थ्रोपोडा. बच्चे ध्यान देना, फाइलम आर्थ्रोपोडा है और सुपर फाइलम है नॉन कॉर्डेटा. सुपर फाइलम नॉन कॉर्डेटा, फाइलम आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा के फीचर्स क्या है? उनकी बॉडी पे काइटेनस एक्सोस्केलेटन होता है ना, जॉइंटेड लेग्स होती हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. ये सब एनिमल किंगडम में पढ़ाया जाता है डिटेल में आपको. इनकी 6 लातें होती हैं, 6 लेग्स होती हैं, 6 तो इंसेक्ट है, ठीक है. डायप्टेरा का मतलब है जो आपकी हाउस फ्लाई है उसके 2 विंग्स हैं, एक पेयर ऑफ विंग्स या 2 विंग्स एक ही बात है, और 4 विंग्स हैं. हाइंड विंग्स छोटे छोटे रिड्यूस्ड हैं, तो डायप्टेरा मतलब सिर्फ 2 विंग्स. वही बटरफ्लाई के 4 विंग्स होते हैं, राइट. ओके, तो ये फर्क है डायप्टेरा. म्यूसीडे, म्यूस्का, म्यूस्का डोमेस्टिका, ये साइंटिफिक नेम आपको याद करना पड़ेगा. म्यूस्का डोमेस्टिका. डोमेस्टिका क्यों बोला गया? क्योंकि डोमेस्टिक एरिया में पाई जाती है ना, राइट. गंदी जगह पे बैठती है ना, हाउस फ्लाई डर्टी एरियाज में बैठती है, राइट. मैंगो, मैंगो की बात करते हैं. मैंगो जो है प्लांट किंगडम में आता है ना, और इसका डिवीजन क्या है? एंजियोस्पर्म में. एंजियोस्पर्म में मतलब जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं. एंजियोस्पर्म में मतलब जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, राइट गाइस. ओके, अंजलि देवी ने कहा लेपिडोप्टेरा फॉर बटरफ्लाई, बिल्कुल सही. लेपिडोप्टेरा एक अलग ऑर्डर होता है ना, 4 विंग्स वाला, तो आपका बटरफ्लाईज के लिए होता है. ओके चलो, सिमिलरली कॉलियोप्टेरा फॉर बीटल्स, पर आपको इतना डिटेल में नहीं जाना फॉर CPSC. ओके बच्चा, चलो. एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं. अब मैंगो की बात करें तो मैंगो डाइकोटिलेडन है, 2 कोटिलेडन्स हैं उसमें. देखिए बच्चे, डाइकॉट और मोनोकॉट में फर्क आप मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे और फ्लावरिंग प्लांट्स में, ठीक है. पर अभी के लिए समझे, डाइकॉट्स में कौन कौन आते हैं? आपके सारे के सारे जो 2 में स्प्लिट हो सकते हैं, 2 कोटिलेडन है, कैश्यूज, मैंगोज, ठीक है, ये सब, आमंड्स, पिस्ता, ठीक है, फैबेशिये फैमिली के पल्सेस, पटेटो, ये सब डाइकॉट्स हैं. मोनोकॉट में कौन आते हैं? आपके वीट, राइस, मेज, ग्रासेस, वो सब मोनोकॉट्स में आते हैं. शुगर केन, बैम्बू, कोकोनट, ठीक है. अब ऑर्डर क्या है? सैपिनडेल्स. सैपिनडेल्स के अंदर फैमिली आती है अनाकार्डेशिये. अच्छा, ये याद नहीं होती, पर मैं आपको मैंगो के साथ ना अनाकार्डेशिये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज में मिलते हैं, थोड़ी गर्म वाली जगहों पे. और मैंगो के साथ साथ इनमें ना ड्रूप फ्रूट्स होते हैं. ड्रूप फ्रूट्स मतलब मैंगो, कैश्यू, पिस्टैशियो, ठीक है. पिस्टैशियो समझते हो, पिस्ता जो होते हैं आपके नट्स, राइट, वो सब अनाकार्डेशिये फैमिली में आते हैं. ओके, और अब याद हो जाएगा मैंगीफेरा, तो मैंगीफेरा इंडिका साइंटिफिक नेम है. वीट, वीट बच्चे अगेन एंजियोस्पर्म है, मोनोकॉटिलेडने है, एक सिंगल कॉटिलेडन है. वीट, राइस, मे, शुगर केन, कोकोनट, बैम्बू, ये सब मोनोकॉट्स हैं. ऑर्डर क्या है? पोएल्स. क्या आपने एक चीज नोटिस की? प्लांट्स में ऑर्डर जो है वो एंड हो रहा है बाय द सफिक्स एल्स. सफिक्स मतलब एंडिंग नेम किससे एंड हो रहा है? एल्स, पोएल्स, सैपिनडेल्स, है ना, राइट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? एल्स से एंड हो रहा है ऑर्डर. और वहीं फैमिली किससे एंड होती है? एशिये से. एशिये से फैबेशिये, अनाकार्डेशिये, पोएशिये, है ना, ACEAE. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो याद रखना, प्लांट्स में ऑर्डर एंड होता है एल से और फैमिली एंड होती है एशिये से. और ह्यूमंस में, फैमिली या फिर सॉरी एनिमल्स में फैमिली एंड होती है DAE से. तो एनिमल्स में फैमिली किससे एंड होती है? जनरली DAE से. और ऑर्डर वेरी कर सकते हैं, पर एटा से, एटा, ठीक है. ओके, जरूरी नहीं है, तो ऑर्डर का जरूरी नहीं है, पर फैमिली का जरूरी है, DAE से एंड होता है, ठीक है. क्लियर गाइस?
और फैमिली क्या होगी? पोएशिये, पोएशिये फैमिली कौन सी है? ग्रास फैमिली। पोएशिये फैमिली कौन सी है? ग्रास फैमिली, ठीक है। और ग्रास फैमिली में आपके कौन कौन आएंगे? बहुत सारे राइस वगैरह आ जाएंगे, राइट। और साइंटिफिक नेम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। तो ये टेबल अब तो क्लियर हो गया होगा आप सबको। गौतम पूछ रहे हैं, मैम फैमिली और स्पीशीज में क्या फर्क है? बच्चे, स्पीशीज वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो एक दूसरे के साथ मेट कर सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि फैमिली में जो भी उसके अंडर आए वो एक दूसरे के साथ मेट कर सकता है। मैं कहूँ कैट फैमिली, कैट फैमिली में आपकी कैट भी आती है, टाइगर भी आता है, लेपर्ड भी आता है और चीता भी आता है ना। तो अब आप ये दोनों, ये सब एक दूसरे के साथ मेट तो नहीं कर सकते, राइट। नेचुरली, नेचुरली इज द वर्ड आई एम यूजिंग, है ना। पर फैमिली के फीचर्स कुछ कुछ सेम होते हैं। जैसे फेलिडे फैमिली हमेशा शांति से अपने पैर रखती है, रिट्रैक्टेबल क्लॉज होते हैं, बिल्कुल आराम से उसके जो क्लॉज है वो वापस अंदर चले जाते हैं। फैमिली फेलिडे फैमिली का फीचर है, ठीक है। कुछ ना कुछ कॉमन फीचर होगा तभी आपने उन्हें एक फैमिली में डाला है, ठीक है, ओके। पर फैमिली के बाद अब आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे कैट फैमिली है, कैट फैमिली में आता है टाइगर, लायन, ठीक है, चीता, कैट, ओके। अब कैट जो है उसका जीनस अलग हो गया, फेलिस। पर वहीं पैंथीरा लियो, पैंथीरा टिग्रिस, पैंथीरा पार्डस जो लेपर्ड है आपका, ये तीनों, पैंथीरा पार्डस, पैंथीरा लियो इज लायन एंड पैंथीरा टिग्रिस इज टाइगर। तो टाइगर, लेपर्ड एंड लायन तीनों पैंथीरा जीनस के हैं, पर फिर भी इनको अलग-अलग स्पीशीज में रखा गया क्योंकि एक दूसरे के साथ मेट नहीं करते और इनके अलग फीचर्स हैं थोड़े, ठीक है। इनकी स्पॉट्स अलग होते हैं। लायन और टाइगर में फर्क होता है? लायन टाइगर लेपर्ड में फर्क होता है कि नहीं होता उनके स्पॉट्स में, मार्किंग्स में? होता है ना। तो पर जीनस इनका सेम है, तीनों पैंथेरा बुलाए जाते हैं, पर एक लायन है तो लियो, एक टाइगर है तो टिग्रिस और एक लेपर्ड है तो पार्डस। अंडरस्टूड? तो आपका डाउट क्लियर हो गया गाइस। चलो, तो मैंने अच्छे से समझा दिया आपको। आई होप आप लोगों को क्लियर है सब कुछ। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? एक बार थम्स अप दे दो गाइस। और आई होप आप सबने लाइक बटन दबा दिया है, हाँ, शेयर कर दिया है ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ। वेरी गुड। तो नाम तो याद हो गया सबको, वेरी गुड। पैंथेरा टिग्रिस भी याद हो गया, पैंथेरा लियो भी हो गया, पैंथेरा पार्डस भी हो गया, फाइकस रिलीजियोसा भी हो गया, फाइकस बेंगालेंसिस भी हो गया, होमोसेपियंस भी हो गया, मुस्का डोमेस्टिका भी हो गया, ट्रिटिकम एस्टिवम भी हो गया, है ना। कितने सारे नाम याद हो गए आप लोगों को आज ही के दिन, है ना। रैटस रैटस भी हो गया, गोरिल्ला गोरिल्ला भी हो गया, नाजा नाजा भी हो गया। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको याद हो गए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। स्पीशीज, तो जो स्पीशीज है बच्चे, मैंने बता चुकी हूँ उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जॉन रे ने। प्लीज जूलियन हक्सले और जॉन रे में कंफ्यूज मत होना। जूलियन हक्सले ने सिस्टमैटिक्स का कंसेप्ट दिया था, नियो सिस्टमैटिक्स का। ही गेव द कंसेप्ट ऑफ नियो सिस्टमैटिक्स। और जॉन रे ने किसका कंसेप्ट दिया था? स्पीशीज का कंसेप्ट। शक्ल देख लीजिए साइंटिस्ट की। राइट, ओके। दे ऑल हैड सच ब्यूटिफुल हेयर, हेयर नो, व्हाइट कलर के आइंस्टाइन जैसे बाल, बिल्कुल अच्छे बाल हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ अब बात करते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स की, ठीक है। अब बात करते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स की। टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं ध्यान से सुनो, फिर ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। दो क्लासेस में मैंने आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर खत्म करवा देना है। ध्यान से सुनना, फिर एनसीईआरटी पढ़ना और मजा आ जाएगा आपको एनसीईआरटी पढ़ने में, ठीक है, बहुत आसान लगेगी। तो अब मैं आपको पढ़ाने लगी हूँ टैक्सोनॉमिकल एड्स, मतलब ऐसे एड क्या होता है? हेल्प, फर्स्ट हेल्प, है ना। फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट हेल्प। तो टैक्सोनॉमिकल एड क्या होते हैं? हेल्प, जो टैक्सोनॉमी में मतलब क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन वगैरह में मदद करते हैं, ठीक है। तो टेक्सोनॉमिकल एड में सबसे पहले आते हैं आपके हर्बेरियम। क्या आते हैं? हर्बेरियम। तो हर्बेरियम क्या है बच्चों? हर्बेरियम एक कलेक्शन है जो हम प्लांट्स की करते हैं। हम पहले उनको कलेक्ट करते हैं, फिर ड्राई करते हैं, फिर प्रेस करते हैं शीट पर, ए हर्बेरियम की शीट पर, ठीक है, ए फोर शीट होती है। उसके बाद उसको प्रेस करने के बाद प्रिजर्व करके रखते हैं, उस पर प्रॉपर ना टैगिंग करते हैं, मतलब साइंटिफिक नेम लिखते हैं, कलेक्टर का नाम लिखते हैं, डेट ऑफ कलेक्शन लिखते हैं, कॉमन नेम लिखते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें हम इसमें लिखते हैं।
ओके, हाइट ऑफ द प्लांट वगैरह नहीं लिखते, साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम, डेट, एरिया ऑफ कलेक्शन, वर्नैक्युलर नेम, साइंटिफिक नेम, ये सब लिखते हैं. ठीक है गाइस, ओके अंडरस्टूड. तो उसकी टैक्सोनॉमी हम हर्बेरियम में लिख देते हैं एंड इट इज अवेलेबल फॉर रेफरेंस और स्टडी. तो सपोज करो आप गए कहीं घूमने के लिए, उत्तराखंड वगैरह जा रहे हैं, आपने कहा अरे ये तो नया सा पौधा लग रहा है मुझको, है ना, पर फिर आपको हर्बेरियम जाना पड़ेगा देखने के लिए वहां के नियर बाय हर्बेरियम कि ऐसा कोई पौधा सच में नया है कि पहले से एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और आपको नहीं पता था, है ना. तो डिपेंड करता है, तो इसीलिए आपको हर्बेरियम जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाती है. ठीक है, फ्रेश ड्राइड प्रिजर्व प्लांट्स होते हैं, अंडरस्टूड. यस ओके, कोई डाउट किसी को? हाँ जी बताइए. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, बोटानिकल गार्डन्स, नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड. एक हो गई हमारी हर्बेरियम स्पीशीज, एक है बोटानिकल गार्डन्स. आप सबने किस किस ने बोटानिकल गार्डन विजिट किया? एनीबडी जिन्होंने बोटानिकल गार्डन विजिट किया है? एनीवन? नो. ओके, बोटानिकल गार्डन जो होते हैं ऐसे एरियाज हैं बच्चे जहाँ पर लिविंग प्लांट स्पेसिमेंट्स हैं, ग्रो किए जाते हैं फॉर एजुकेशन, फॉर यू नो टूरिस्ट पीपल, कंजर्वेशन के लिए, स्टडीज के लिए, रिक्रिएशन के लिए. मतलब बोटानिकल गार्डन में आपको सारे प्लांट्स मिलेंगे. ठीक है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा बोटानिकल गार्डन है उसका नाम है रॉयल बोटानिकल गार्डन. कहाँ पर है ये? लंदन में, रॉयल बोटानिकल गार्डन इन इंग्लैंड, क्यू इंग्लैंड. ठीक है, क्यू में है, इंग्लैंड में. और लार्जेस्ट हर्बेरियम भी यही है, लार्जेस्ट हर्बेरियम भी यही है क्यू में. ठीक है, दोनों चीजें यही है. फाइन गाइस, तो बोटानिकल गार्डन इज अ प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्रोन. इसमें एनिमल्स नहीं ग्रो होते, एनिमल्स सॉरी ग्रो नहीं, मतलब एनिमल्स नहीं रखे जाते, सिर्फ प्लांट्स रखे जाते हैं स्टडी के लिए और कंजर्वेशन के लिए. ठीक है गाइस, ओके. म्यूजियम्स, म्यूजियम्स बच्चे इज अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्रिजर्व्ड वर्ड समझ रहे हैं कि आपने प्रिजर्व कर रखे हैं अलग अलग तरीके से, जैसे इंसेक्ट्स को प्रिजर्व करते हैं पिनिंग करके, बर्ड्स को प्रिजर्व करते हैं फेदर्स के अंदर, बॉडी के अंदर कॉटन डाल के. ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड से प्रिजर्व करते हैं. तो हम स्टडी एंड रेफरेंस के लिए म्यूजियम्स को क्या करते हैं, म्यूजियम्स में एनिमल्स और प्लांट्स रखे जाते हैं. ठीक है, तो जार्स में या कंटेनर्स में प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन जैसे फॉर्मल्डिहाइड होता है उसमें डाला जाता है. ओके गाइस, ओके चलो. जूलॉजिकल पार्क्स, जूलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं बच्चे? आपने विजिट तो बहुत बार किया होगा जूस, है ना. जूलॉजिकल पार्क एंटरटेनमेंट के लिए मेनली नहीं बने. आप लोग तो जाते हैं विजिट करने के लिए कि एनिमल्स को देखने के लिए, पर जूलॉजिकल पार्क बने कंजर्वेशन के लिए. सपोज करो कुछ एनिमल्स हैं जो कम मात्रा में रह गए हैं, बहुत कम नंबर्स में रह गए हैं, तो उनको जानबूझ के जूस में रखा जाता है ताकि वो कंजर्व रह सके, उनकी स्टडी हो सके. एनिमल्स की स्टडी करने के लिए, क्या पता उनकी मेटिंग हो जाए तो ऑफस्प्रिंग्स आ जाएंगे तो फिर नंबर बढ़ जाता है, फिर वापस जंगल में छोड़ देते हैं. राइट, यू अंडरस्टैंडिंग? तो जूलॉजिकल प्लेसेस आर वेयर एनिमल्स आर केप्ट, वाइल्ड एनिमल्स रखे जाते हैं, है ना. तो बहुत सारे जूस, बहुत सारे यहाँ पर, तो दिल्ली में एक जू है बहुत फेमस जहाँ पे वाइट टाइगर भी है. राइट, सो देयर आर 300 जूलॉजिकल गार्डन्स इन इंडिया. सो जूलॉजिकल पार्क्स जो है एक तरह की एक्सीटू कंजर्वेशन है. कौन सी कंजर्वेशन है? एक्सीटू कंजर्वेशन. बोटैनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क्स, ये सब एक्सीटू कंजर्वेशन है. एक्सीटू कंजर्वेशन मतलब कि जब हम ऑर्गेनिजम्स या जानवरों को या प्लांट्स को प्रिजर्व कर रहे हैं उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर. ठीक है, जैसे सीड बैंक्स हो गए, हमने सीड्स प्रिजर्व करके रखे हैं. ठीक है, स्पर्म बैंक्स होंगे जिसमें हम एनिमल्स का स्पर्म प्रिजर्व करके रख रहे हैं. जूलॉजिकल पार्क्स हो गए, बोटैनिकल गार्डन्स हो गए. ठीक है, ये सब वो एरियाज हैं जहां पर हमने प्रिजर्वेशन के लिए फ्लोरा और फौना रखे हैं. फ्लोरा मतलब पौधे, फौना मतलब जानवर, पर उनके नेचुरल एरिया से बाहर. नेचुरल एरियाज क्या होंगे? नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, है ना, हॉटस्पॉट्स, वो वाले एरियाज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, वो वाले एरियाज जो उनके नेचुरल एरियाज हैं, उनके जंगल्स हैं, वहां पर प्रिजर्व हो रहे हैं तो इन सीटू कंजर्वेशन, बाहर हो रहे हैं तो एक सीटू कंजर्वेशन. ओके अंडरस्टूड, ये चीज समझ आई आप लोगों को, एक सीटू एंड इन सीटू. चलो
अब हम बात करते हैं कीज की। बहुत सारे बच्चों को कीज नहीं समझ आता, बार बार मुझसे पूछते हैं, ठीक है? तो प्लीज ध्यान से सुन लीजिए कीज। तो कीज एक बहुत इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिकल एड है, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। कीज क्या होते हैं? ओके, ध्यान से सुनिए। कीज बच्चे ताला चाबी वाले की नहीं है, पर की एक तरीका है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, उनकी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे। जैसे कि अगर आपको कोई ऑर्गेनिज्म मिले तो आपको दो चॉइसेस मिलेंगी, ठीक है? जैसे सपोज करो आपको कोई ऑर्गेनिज्म मिले, वर्टिब्रेटा का मिला है ना, तो आप देखेंगे उसमें जॉज हैं कि नहीं है। हैं तो गनाथोस्ट्रोमा में, नहीं है तो एगनाथा में। अगर जॉज है गनाथोस्ट्रोमा में, फिर आप देखेंगे उसमें फिन्स हैं कि चार लिम्स हैं। फिन्स हैं तो फिशेज में डालेंगे, फिशेज हैं तो फिर आप देखेंगे कार्टिलेज है कि बोनी है, नहीं तो बोनी फिशेज में डालेंगे या तो कार्टिलेज फिशेज में डालेंगे, समझ रहे हैं? और अगर टेट्रापोडा है, चार लिम्स हैं, तो फिर आप देखेंगे मॉइस्चर है बॉडी में, एम्फीबियन है कि रेप्टाइल है कि बर्ड है कि मैमल है, मैमल है तो फिर आप देखेंगे अगर इसमें मैमल है तो ये मैमल के अंदर कहाँ आएगा, मार्सुपियल्स में आएगा कि यूथीरियंस में आएगा, है ना, प्लेसेंटल मैमल्स में आएगा। तो समझ रहे हैं आप, अपने आप को दो चॉइसेस देते हैं। सो द की रेफर्स टू अ सेट ऑफ ऑल्टरनेट कैरेक्टरिस्टिक्स, इंग्लिश में पढ़िए, इट इज अ सेट ऑफ ऑल्टरनेट कैरेक्टरिस्टिक्स। आप अपने आप को दो चॉइसेस दे रहे हैं, उनमें से एक चूज कर रहे हैं स्टडी करके ऑर्गेनिज्म को। दैट हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए किया जाता है सिलेक्टिंग एंड एलिमिनेटिंग द कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू देयर प्रेजेंस और एब्सेंस इन द ऑर्गेनिज्म। अगर वो कैरेक्टर है तो सिलेक्ट कर लो, नहीं है तो हटा दो वो कैरेक्टर, ठीक है? Fine guys, understood? क्या आपको ये चीज समझ आई पक्का 100%? हाँ, अब सपोज करो कोई पौधा मिला, फिर आप देखोगे क्या उसमें थैलस ऑर्गेनाइजेशन है कि प्रॉपर रूट स्टेम लीफ है, तो आप देखोगे यार उसमें तो प्रॉपर रूट स्टेम लीफ है। फिर आप देखोगे रूट स्टेम लीफ है तो ये टेरिडोफाइट भी हो सकता है, जिम्नोस्पर्म भी हो सकता है, एंजियोस्पर्म भी हो सकता है। क्या ये स्पोर्स बना रहा है कि कोन्स या फिर फ्लावर्स बना रहा है? आप देखोगे वो फ्लावर्स बना रहा है तो एंजियोस्पर्म होगा। अब फिर आप देखोगे उसमें एक कॉटिलेडन है कि दो कॉटिलेडन है। अगर आप देखेंगे एक कॉटिलेडन है तो आप उसे मोनोकॉट में डाल देंगे, है ना? तो आप अपने आप को दो चॉइसेस दे रहे हो जिसमें से एक चॉइस को एलिमिनेट कर रहे हो और एक को सिलेक्ट कर रहे हो डिपेंडिंग अपॉन वो कैरेक्टरिस्टिक उसमें है कि नहीं है। अंडरस्टूड? सो आपको कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं एज अ चॉइस मिलते हैं। ओके, सो इट इज अ सेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ चॉइस। अंडरस्टूड? चलो अब जो है वो है मोनोग्राफ्स एंड मैनुअल्स। ये भी क्या है? टैक्सोनॉमिकल एड है। ये एक एक वर्ड में एनसीईआरटी में मेंशन है, पर इनको समझना बहुत जरूरी है। दीज आर ऑल्सो टैक्सोनॉमिकल एड्स अलॉन्ग विथ की। हाँ जी, अब अगला टैक्सोनॉमिकल एड है मैनुअल्स। मैनुअल्स क्या होते हैं बच्चे? मैनुअल्स होते हैं, इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। मतलब कि सपोज करो एक एरिया आपने कंसिडर कर लिया, ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क का छोटा सा एरिया कंसिडर कर लिया, तो जितने भी वहां पर स्पीशीज होगी उसकी सारी इंफॉर्मेशन मैनुअल्स में होगी। सो इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया, ठीक है? और मोनोग्राफ का मतलब क्या होता है? मोनोग्राफ एक ऐसी किताब है जिसमें आपको एक टैक्सॉन के बारे में, बच्चों को टैक्सॉन नहीं पता क्या होता है, टैक्सॉन बच्चे कोई भी रैंक, कोई भी आपका हायरार्कियल, कुछ भी जीनस भी हो सकता है एक टैक्सॉन, क्लास भी एक टैक्सॉन है, फाइलम भी एक टैक्सॉन है, किंगडम भी एक टैक्सॉन है। मोनोग्राफ एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको एक एरिया की सार उस टैक्सॉन की इंफॉर्मेशन दे रही है। सपोज करो आपको स्टडी करना है कि उत्तराखंड के एक पर्टिकुलर गांव में, सपोज करो रानीखेत में, रानीखेत एरिया में एक गांव में कितने टैक्सॉन्स हैं, सपोज करो, या फिर एक सिंगल टैक्सॉन कौन सा है, सपोज करो कितने जीनसेस हैं, क्या क्या जीनसेस हैं, क्या या क्या क्या स्पीशीज हैं, या क्या क्या किंगडम्स हैं। आप एक पर्टिकुलर, मोनो मतलब सिंगल, सिंगल टैक्सॉन आप स्टडी करते हैं। मोनोग्राफ में आप सिंगल टैक्सॉन स्टडी करते हैं, मैनुअल में आप ऑल द स्पीशीज स्टडी करते हैं ऑफ एन एरिया। मोनोग्राफ कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट ओनली वन टैक्सॉन। टैक्सॉन कैन बी एनीथिंग, कोई भी रैंक है हायरार्की का, इट कैन बी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी, कोई भी टैक्सॉन। समझ आई है बात गाइस?
क्या आपको ये चीज समझ आई सबको 100%? चलो ग्रेट. सो मैनुअल्स विल कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल स्पीशीज. मोनोग्राफ में एक सिंगल रैंक की इंफॉर्मेशन होगी. ओके चलो. सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे गाइज. आज हमने ये पढ़ा, मतलब आपका चैप्टर खत्म हो गया है. अब कल होगा क्विज, एक धमाकेदार क्विज होगा, ठीक है, लाइव क्विज होगा. आप सब ने, ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने आना है, लाइव क्विज करना है. मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चंस मैं पुट करूंगी, आंसर आप चैट बॉक्स में देंगे, टाइमर होगा, आपको आंसर करना है, ठीक है, विद इन दैट लिमिट टाइम लिमिट. फिर अन अकेडमी क्विज भी करेंगे, ठीक है, आज शाम को. तो गाइस livedaily.me/chat, ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, इस पे ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी. आई होप यू एंजॉयड डूइंग रिवाइंड सीरीज. रिवाइंड सीरीज बच्चे इसलिए बनी है ताकि हम जल्दी, ज़्यादा टाइम ना लें, कम समय में आपको पूरा डिटेल में चैप्टर पढ़ा दें फिर से लाइव सेशन में, ताकि आपकी पुरानी जो मिस हो गई थी लिविंग यू नो लाइव क्लासेस, लाइव क्लासेस में ही मजा आता है, और आपकी जो पुरानी लाइव क्लासेस मिस हो चुकी थी वो फिर से हम कर सकें, राइट. तो आई होप यू एंजॉयड गाइस. रिविजन कैसी लगी आप लोगों को एक बार बताओ चैट बॉक्स में, हाउ डिड यू लाइक द रिविजन, एंजॉय किया आपने, समझ आया आप सबको पूरा चैप्टर लिविंग वर्ल्ड का. या मीनू सेन, थैंक यू मैम, यस, सो यू एंजॉयड, इट्स ऑसम थी, दैट्स नाइस. तो ऐसे ही और भी रिवाइंड सीरीज आएंगी, आपको फिर से पढ़ाए जाएंगे चैप्टर्स. पर आपने जो पहले लगन नहीं की, अगर आपने लगन नहीं की तो इस बार पूरे फोकस से, पूरे डिटर्मिनेशन से पढ़ाई करनी है. अब टाइम रह गया है कम, राइट. तो अगर आप पूरी कोशिश करना चाहते हैं, पूरा अपना 100% देना चाहते हैं तो दीजिए, क्योंकि चाहने से कुछ नहीं होगा, बस करने से होगा, है ना. सोचते तो बहुत है, करते बहुत कम लोग हैं, तो आप वो बनिए जो कर सकते हैं, राइट गाइस, ठीक है, ओके. रितेश सही, मैम एनी न्यू कोर्स फॉर क्लास 11th इन सब्सक्रिप्शन. हाँ जी, मिनरल न्यूट्रिशन चल रहा है बच्चे, नया कोर्स है, अभी परसों से ही शुरू हुआ है, आ जाइए सुबह शाम को 7:30 बजे, शाम को 7:30 बजे होती है मेरी क्लास, ठीक है. बहुत सारे न्यू कोर्सेज लॉन्च होते हैं, हर एक टीचर लॉन्च करती है, तो सब्सक्रिप्शन में बच्चे लाइव क्लासेस होती हैं, हर टीचर कोर्सेज लॉन्च करती हैं, और आपको जिस टीचर से पढ़ना है आप उन टीचर से पढ़ते हैं, डिटेल में इंटरेक्शन होती है एजुकेटर के साथ, हर बच्चे का हर डाउट क्लियर होगा, लाइव पोल्स होंगे, लीडर बोर्ड होंगे, ठीक है. मेरा कोर्स चल रहा है, बहुत सारे जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का चल रहा था, अभी रेस्पिरेशन प्लांट्स खत्म हुआ है, अब आएगा मिनरल न्यूट्रिशन और फोटोसिंथेसिस. तो प्लीज़ जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, जिन भी बच्चों ने नहीं किया, लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेस होती हैं. एंड दिस इज गाइज अनअकैडमी लर्निंग ऐप, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए. इंस्टॉल करने के बाद करना क्या है आपको, प्लस पर जाना है. देखिए बच्चे, स्पेशल क्लासेस आजकल हो रही हैं, ठीक है, सुबह 11 बजे एट 11 AM हो रही है ना, जिसमें मैं क्विज करा रही हूँ, जैसे आज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का क्विज कराया, ठीक है. टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी अपडेट्स मिल जाती हैं, मुझे फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी लिंक दिया है ऐप का, ठीक है, वहाँ पर आपको सारी अपडेट्स भी मिल जाएंगी, पता भी चल जाएगा. मेरी बहुत सारी स्पेशल क्लासेस हो चुकी हैं, आई हैव टेकन मोर देन 100 स्पेशल क्लासेस जो कि फ्री क्लासेस हैं. तो बच्चे बहुत सारे टॉपिक्स कवर हुए हैं, जो भी टॉपिक आपको समझना है स्पेशल क्लासेस में जाइए, फ्री क्लासेस हैं, उसका इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, जल्दी से जल्दी, ओके. तो रितेश, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ठीक है, अगर आप लेना चाहते हैं, ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि अक्टूबर 2020 में लेते हैं तो ये अक्टूबर 2021 तक चलेगी, एक साल तक चलेगी, अगर एक साल का लेते हैं. अगर 24 मंथ्स की लेते हैं तो अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2022 तक चलेगी, ठीक है, ओके गाइज. सो गो फॉर द सब्सक्रिप्शन, क्योंकि सब्सक्रिप्शन में हम एक क्लास की तरह बिहेव करते हैं. अभी यूट्यूब पर हम एक क्लास नहीं है, वहां पर हम एक डेडिकेटेड फोकस क्लास है, जिसका एक ही एम है, 95 अबव मार्क्स आने चाहिए, बाय, एक एम है, और सबका यही एम है, और सब कॉन्फिडेंस के साथ पूरी तैयारी करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, पूरे नोट्स प्रोवाइड होते हैं, पूरे एमसीक्यूज प्रोवाइड होते हैं आपको, पूरी की पूरी तैयारी करवाई जाती है, बार बार तैयारी करवाई जाती है, ताकि आप एकदम तैयार हो जाएं एग्जाम्स के लिए, ठीक है. तो आपके पास 12 मंथ्स का ऑप्शन है, 24 मंथ्स का ऑप्शन है, 6 मंथ्स का ऑप्शन है. 12 मंथ्स का इज फॉर 15K, 24 मंथ्स का इज फॉर
25K and 6 months का इज फॉर 10K. बच्चे प्राइस इज वेरी लेस अकॉर्डिंग टू व्हाट यू आर गेटिंग. ठीक है, जब अनअकैडमी आपको फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा है दैट इज वन फीचर. और दूसरा फीचर है कि आपको पर्सनल ट्रेनिंग मिल रही है टीचर्स से. पर्सनल ट्रेनिंग मिलना जो है वो थोड़ा सा प्राइस है बट इट इज वर्थ इट. ठीक है, क्योंकि ये इतना कम प्राइस इसलिए रखा गया है ताकि हर बच्चा अफोर्ड कर सके. गांव में बैठा हर बच्चा अलग अलग जगह से, जब मैं पढ़ बच्चों से सुनती हूँ वो कहाँ कहाँ से हैं तो वो मुझे बताते हैं. सो हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है बच्चे. और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए और मेरे से पर्सनल मेंटरशिप चाहिए तो यूज द कोड सिमरन लाइव. ठीक है, हर बच्चे के हर सपना साकार जरूर होगा. यूज द कोड सिमरन लाइव, यू विल गेट इट फॉर 13,500. ये वाला, दिस वन विल बी फॉर 22,500 और दिस वन इज फॉर 9,000. आपको इससे भी सस्ता पड़ जाएगा अगर आप कॉइन्स रिडीम करेंगे. ठीक है, यूज द कॉइन्स बच्चे, जितना सस्ता पड़े उतना मुझे अच्छा लगेगा. ठीक है, आई विल बी दैट मच हैप्पी फॉर यू. ठीक है, पर जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि और लेट करेंगे तो सारी क्लासेस के ना जो स्क्रैच से पढ़ाई शुरू हो रही है वो भी मिस हो जाएगी. क्योंकि मैंने डिसाइड किया कि मैं सारा फिर से पढ़ाऊंगी, एक बार मेरा सिलेबस खत्म हो जाए. ठीक है, देन आई विल टीच द होल कोर्स अगेन. तो प्लीज मार्च में एग्जाम्स हैं, जल्दी से ज्वाइन कर लो अगर आप मेरे से पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं. एंड रिमेंबर, ये सब्सक्रिप्शन सिर्फ बायो के लिए नहीं है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस के लिए भी है. ठीक है, ओके गाइस, सो गो फॉर इट. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आइकॉनिक लीजिए, थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज होगा बट फीचर्स बहुत सारे हैं. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस. जब आप लाइक करते हैं, जब आप सब्सक्राइब करते हैं और जब आप कमेंट करते हैं, सबसे ज्यादा खुशी मुझे तब होती है जब आप कमेंट करते हैं लाइक शेयर के साथ साथ. ठीक है, क्योंकि मुझे पता चलता है कि आप बच्चों को क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है, क्या पढ़ना चाहते हैं, तो वो ही अगली रिवाइंड सीरीज बन जाती है फिर, है ना. तो अगली रिवाइंड सीरीज के लिए कमेंट कीजिए कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहेंगे गाइस इन डिटेल. बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू.